न्यायिक अधिकारियों की परीक्षा पास करने के बाद पाकिस्तान में देश की पहली हिंदू महिला को सिविल न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बता दें कि सिंध प्रांत के कांबर शहदाद कोट की रहने वाली सुमन कुमारी अपने गृह जिले में सेवाएं देगी। सुमन कुमारी ने अपनी एलएलबी की परीक्षा हैदराबाद से की, जबकि कानून में मास्टर कराची के विश्वविद्यालय से की है। दरअसल कुमारी को डर था कि उनका समुदाय वकील बनने के उनके फैसले की सराहना नहीं करेगा, लेकिन वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि उनका परिवार उनका साथ हर हाल में देगा। उनके पिता पवन कुमार बोधन के मुताबिक सुमन कांबर शहदाद कोर्ट में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता मुहैया कराना चाहती है। सुमन ने एक चुनौतीपूर्ण पेशे का चुनाव किया है और वे कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपना मुकाम बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।